तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस में सबसे पहले हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे ये पीरियोडिक मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन जो है, सिंपल टर्म्स में हम बोलते हैं दैट मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, दैट मोशन विच repeats itself after certain fixed intervals of time उस motion को हम बोलते हैं periodic motion। okay, for example जो motion अपने आप को repeat करेगी after fixed intervals of time उसको हम periodic motion बोलते हैं। okay, तो एंड इसी के साथ और एक चीज लिखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे एंड द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड द फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम या फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज, टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ द फंक्शन, ऑलराइट, या पीरियड ऑफ द मोशन। ओके, तो मान लो हमारे पास अगर आप देखोगे एक वॉल क्लॉक है हमारे पास, जिसमें डिफरेंट हैंड्स है, हमारे पास सेकेंड्स हैंड, आवर्स हैंड, मिनट्स हैंड। तो अगर हम सेकेंड्स हैंड देखेंगे तो ये आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स के बाद ये अपना चक्कर रिपीट करता है। मान लो ये अभी इधर था 60 सेकेंड के बाद यहाँ होगा, अभी यहाँ था 60 सेकेंड के बाद बराबर इधर ही होगा, तो अपनी मोशन कॉन्टिन्यूसली रिपीट करता है सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो हम इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सिमिलरली अगर हम देखेंगे अर्थ की रोटेशन अराउंड सन, तो 365 डेज रफली हर साल सेम ही होता है, डिफरेंट थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होती है, तो रफली हम बोलेंगे कि ये 365 एक साल में कंप्लीट, एक चक्कर कंप्लीट करती है। मान लो अभी अर्थ की पोजिशन स्पेस में यहाँ पे है, एक साल के बाद ये फिर से यही होगी, अभी यहाँ थी एक साल के बाद ये यही होगी, जब ये रिपीट करेगी अपनी मोशन पीरियोडिकली टाइम पीरियड ड्यू टाइम पीरियड्स के बाद, हम इस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। और कितने टाइम इंटरवल्स के बाद ये अपनी मोशन जो है रिपीट करेगा उसको हम बोलते हैं क्या, उस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो मतलब क्या है, मान लो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे हमारे पास y जो है यह है फंक्शन ऑफ x, ऑलराइट, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके। तो एंड मान लो t जो है यह है टाइम पीरियड, क्या है टाइम पीरियड मान लो, या जनरल टर्म्स में हम बोलेंगे ये है पीरियड ऑफ द फंक्शन, कि इतने टाइम के बाद इतने वैल्यू के बाद ये रिपीट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि y का वैल्यू f ऑफ x के बराबर होगा, या f ऑफ x प्लस t के बराबर होगा, या f ऑफ x प्लस 2t के बराबर होगा। मतलब आफ्टर x का वैल्यू, पहले x था फिर हमने इतना वैल्यू बढ़ा दिया तो वैल्यू बराबर रिपीट हो जाएगी, फिर हमने और एक चक्कर लगा दिया फिर वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस। और ऐसी मोशन अगर हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ऑलराइट। तो ये हमारे पास पीरियोडिक मोशन होगी और इसका टाइम पीरियड, ओके। अब ये इसके बाद क्या होता है कि जब ये एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू द प्लेस आफ्टर फिक्स इंटरवल, कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, उसको हम बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास क्या, वन साइकिल। वन साइकिल सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे हम कि ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, ये है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड, एक पीरियड में ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, ओके। या ऑब्जेक्ट कितने टाइम, मतलब साइकिल का कंप्लीट होता है जब ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट चक्कर करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो उसको हम बोलते हैं वन साइकिल, ऑलराइट। और इसके साथ और एक छोटी सी टर्म है कि जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सिंपल टर्म्स में क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम में ये कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल या ये मोशन कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है। लाइक अगर हम देखेंगे, मान लो हमारे पास एक सेकंड हैंड है, ये 60 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो एक सेकंड में कितना करता है, 1/60 सेकंड ही कंप्लीट। ये ऐसे समझने के लिए कि 60 सेकंड्स में ये एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो
तो एक सेकंड में ये कितने चक्कर कंप्लीट करेगा, 1/60। तो इसी तरह हम एक रिलेशन भी लिखते हैं इनके बारे में, मान लो टाइम पीरियड जो है हमारे पास उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन है ये कि न्यू जो है ये होता है किसके बराबर, 1/T के बराबर, दैट इज 1 साइकिल पर मिनट टाइम। इतने टाइम में ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो ये आपस में रेसिप्रोकल आते हैं। ओके, इसका यही भी आप ऐसा यूनिट भी याद रखोगे, ऐसा यूनिट जो है इसका वो कितना है पर सेकंड, जिसको हम हर्ट्स बुलाते हैं। ओके, शॉर्ट में तो इसकी सिंबल है H0, राइट, पर सेकंड भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड, पीरियडिक मोशन क्या होती है और साइकिल क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, इसके बाद हमारे पास पीरियडिक मोशन में एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन आता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन। Remember one thing, all of these oscillations are periodic in nature, alright? Oscillations में क्या होता है, object अगर हम देखेंगे oscillatory motion में, oscillatory motion में क्या होता है, इसमें क्या होता है, object जो है, object does periodic motion, object moves, या ऐसे लिखेंगे object moves periodically about its own position, about its मीन पोजिशन, अबाउट इट्स मीन पोजिशन, अपनी मीन पोजिशन के अबाउट ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन करता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम लिया, इसको हमने स्ट्राइक कर लिया, ये इधर जाएगा वापस आएगा इधर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा ये। ओके, ये भी मान लो इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में ये यहाँ जाएगा वापस आएगा, 1 साइकिल पूरा, जहाँ से निकला था दोनों तरफ जाके वापस आ जाएगा। तो 1 साइकिल कंप्लीट करेगा ये, फिर दूसरा करेगा स्टार्ट, मगर अपनी ही मेन पोजिशन के दाएं बाएं जा रहा है, पीरियोडिक टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स में ये रिपीट कर रहा है। मतलब अगर ये अभी इधर था तो 2 सेकंड के बाद दोनों साइड जाके ये वापस आएगा इधर, और 2 सेकंड के बाद वापस आएगा इधर, और 2 सेकंड के बाद वापस आएगा इधर, पीरियोडिक मोशन है। मगर इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक गिवन पर्टिकुलर पोजिशन जिसको हम बोलते हैं मीन पोजिशन, या इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजिशन, इक्विलिब्रियम पोजिशन के अराउंड ये ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, पीरियोडिक मोशन करता रहता है, इस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑलराइट, ऑसिलेटरी मोशन, या सिंपली हम इसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑलराइट, ऑसिलेटरी मोशन इज दैट टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज डूइंग पीरियोडिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन। ऑलराइट, जब ये अपनी ही मेन क्वेश्चन के अराउंड ये क्या करेगा, पीरियोडिक मोशंस करेगा कंप्लीट। ओके, अब ये जो है यहाँ पे हो सकती है हमारे पास लीनियर ऑसिलेशंस हो सकती है, लीनियर ऑसिलेशंस हो सकती है और एंगुलर हो सकती है, एंगुलर ऑसिलेशंस। ऑलराइट, तो अगर लीनियर में हम बात करेंगे, लीनियर में मान लो एक पार्टिकल जो है, जब आप आगे वेव्स पढ़ोगे उसमें पार्टिकल्स वेव का जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं आगे बाय वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन, ऐसे आगे पीछे जाते हैं। तो अगर ये लीनियर में ट्रेवल कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर ऑसिलेशंस। अगर ये पेंडुलम अगर हम देखेंगे, ये बॉब जो है ये एंगल्स में ट्रेवल कर रहा है, कर्व्स के अलावा ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर ऑसिलेशंस। तो दोनों केसेस में हम एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चाहे ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, मीन पोजिशन के अराउंड ये मैक्सिमम कितना दूर जाता है। इस पेंडुलम को स्ट्राइक करोगे, ये ऐसा नहीं है कि एक ही साइड जाता रहेगा वापस ही नहीं आएगा, तो ये एक साइड जाएगा ऊपर, कितना दूर जाएगा, इतना इतना एंगल ट्रैवल करेगा, ये वापस आएगा इस साइड भी उतना ही एंगल ट्रैवल करेगा ये। ऑलराइट, तो कितना मैक्सिमम एंगल कितना ये कवर करेगा ऑन बोथ द साइड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, अबाउट इट्स मीन पोजिशन ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। ऑलराइट, तो इसको हम बोलते हैं मैक्स एम्पलीट्यूड। अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, मान लो पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है यहाँ तक, वापस आता है इधर जाता है वापस आता है, तो अपनी मीन पोजिशन से दोनों साइड ये कितना दूर गया, या इस साइड ये कितना दूर गया, दोनों सेम होंगे, इसको भी हम क्या बोलते हैं,
एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन. ऑलराइट, ये हमारे पास ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड हो गया ये. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास, ये जो ऑसिलेटरी मोशन होती है ये हो सकती है क्या, फ्री ऑसिलेशन या पोस्ट ऑसिलेशन. ऑलराइट, ये ऑसिलेशन जो है हमारे पास, ऑसिलेशन जो है हमारे पास, ये हो सकते हैं फ्री ऑसिलेशन. ओके, फ्री ऑसिलेशन हो सकते हैं या हो सकते हैं ये क्या, फोर्स्ड ऑसिलेशन. ओके, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन में डिफरेंस क्या है. फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि यू इनिशिएट द ऑसिलेटरी मोशन एंड कीप इट, यू नो, आप इसको अपने हाल पे छोड़ रहे हो. तो मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है, उसको मैंने एक बार स्ट्राइक कर लिया, ये ऐसे जाएगा, चलता रहेगा. ओके, अपने ही मर्जी से, इसको हम और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कंटिन्यूस हिटिंग नहीं कर रहे हैं. तो एक टाइम क्या आ जाएगा, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होगा और फाइनली ये रुक जाएगा. तो ये फ्री ऑसिलेशन जो है ये क्या होते हैं, ये होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन. क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन. ओके, क्या होता है, देयर एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम. ऑलराइट, तो ये होते हैं फ्री, देयर इज नो कंटिन्यूअस. तो फ्री ऑसिलेशन होती है क्या, देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट. ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी कॉन्टिन्यूस फोर्स नहीं लग रहा है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसी पेंडुलम को देखो. मान लो कि ये एक सेकंड में, दो सेकंड में ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा सपोज. तो हमें पता है कि जब ये चक्कर कंप्लीट करता है, एयर फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है. तो अब हमें ये पता चला है कि ये अगले सेकंड में, अभी अगले साइकिल में ये इतना ऊपर नहीं, थोड़ा कम नीचे जाएगा. तो हमें पता है कि हमने इसको पहले, मान लो पहले मैंने इसको 10 न्यूटन फोर्स लगाया था, तो 10 न्यूटन की वजह से ये इतना इस एम्पलीट्यूड तक पहुंच गया. अब मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा इसको, तो ये थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा. 2 सेकंड के बाद ये एम्पलीट्यूड कम, और 2 सेकंड के बाद कम, क्योंकि 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है. तो फोर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, हम इसको फिर से धक्का देंगे ताकि ये कम ना हो जाए, बराबर उसी डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाए जहां इसने स्टार्ट किया था. तो और एक चक्कर कंप्लीट करेगा, फिर 2 सेकंड होंगे, फिर धक्का देंगे, फिर 2 सेकंड होंगे, फिर धक्का देंगे. तो जब हम कॉन्टिन्यूसली एंड पीरियोडिकली इसको कॉन्टिन्यूस फोर्स अप्लाई करते रहते हैं, इस फोर्स ऑसिलेशन को हम बोलते हैं क्या, फोर्स ऑसिलेशन. ओके, तो तो ये लिखेंगे हम ऐसे डेफिनेशन इसकी, ऑसिलेटरी मोशन विच रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस पीरियोडिक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ओके, उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन. ये पीरियोडिक एप्लीकेशन क्यों जरूरी है, देखो अगर ये मान लो 2 सेकंड के बाद हमें पता है ये एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, अब ये ऑलरेडी कम हो गया, अब फिर आप इसको धक्का दोगे तो अब ये सेम ऑसिलेशन नहीं है, पहले इसका एम्पलीट्यूड था इतना, दूसरे में कम हो गया, तीसरे में आपने धक्का दे के ज़्यादा कर दिया इसको. पीरियोडिक मतलब हमें पता है कि एक ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड कम होने वाला है या 2 के बाद कम होने वाला है, तो आपने एवरी 2 ऑसिलेशन हम इसको थोड़ा पुश करते रहेंगे. आफ्टर एवरी 2 ऑसिलेशन तो आप भी 2 ऑसिलेशन के बाद फोर्स जो है रिपीट कर रहे हो सेम वैल्यूज में, तो हम फोर्स भी पीरियोडिक बन रहा है यहाँ पे, फोर्स का वैल्यू भी हम पीरियोडिकली चेंज कर रहे हैं. तो इसीलिए हम पीरियोडिक एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाते हैं. उससे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली, तो उससे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूज टू ऑसिलेट With same amplitude के साथ ये continuously oscillate करता रहता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, forced oscillation. क्या बोलते हैं इसको, forced oscillation. All right? That is this.
3 and these forced oscillations. इसके बाद हमारे पास क्या है? Next term है हमारे पास एक छोटी सी term है, basically this types of equilibrium. Types of equilibrium, alright? Equilibria, alright? तो हमारे पास different types of equilibrium है, alright? तो like एक particle जो है oscillation में है, अगर हम एक particle को अपनी mean position, ये mean position क्या होती है, वो देखेंगे हम पहले. ये जो mean position हम बोल रहे हैं बार-बार, ये होती है stable position of object, stable position of object, alright? Yeah, that position were net force acting on the object is zero. जहाँ पे summation of forces का value zero होता है, उस position को mean position या equilibrium position बोलते हैं. अब अगर हम equilibrium position के ऊपर इसके ऊपर force लगाएंगे तो क्या होगा? ये अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं आगे जाएगा, कहीं पीछे जाएगा, ऑलराइट? तो अगर ये वापस आ रहा है अपने आप, या अगर नहीं आ रहा है उधर ही चले जा रहा है, या जहां जा रहा जिधर जितना धक्का दोगे उधर ही जाके रुक जाता है, तो मतलब कि इसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे ये किस-किस तरीके से अपना इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, क्या ये उसके बाद भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्या ये उसके बाद इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, या क्या होगा इसके साथ, तो हम उसके बेसिस पे देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. ऑलराइट, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम है, दैट इक्विलिब्रियम, ये होता है दैट इक्विलिब्रियम जिसमें क्या होगा इन व्हिच if an object returns back to its original position. अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर लिया है, धक्का दिया है, ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगा. जस्ट ऐसे अंडरस्टैंड करने के लिए, ये आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ओके, थ्री डायमेंशनल है. आपने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे धक्का दिया ऐसे, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा टिल्ट, ऑलराइट? अगर आप थोड़ा ये इमेजिन कर पा रहे हो, तो फिर टिल्ट होने के बाद ये वापस, ज़्यादा जोर नहीं, हम कह रहे हैं कि बाय द स्लाइट एप्लीकेशन ऑफ बाय डिस्टर्बिंग इट फ्रॉम द यूनिवर्स, आप बोलोगे इसको पटकना है ऐसे, दैट इज नॉट द थिंग. तो हम इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने मेन पोजिशन से, ये थोड़ा टिल्ट हो रहा है, फिर उधर जाएगा, फिर ऐसे करके ये इधर जाएगा, ये फिर ये इस पोजीशन में जाएगा, ऐसे 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 करके, और फाइनली वापस अपने उसी पोजीशन पे आएगा जिस पोजीशन से आपने इसको छोड़ दिया था. तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये वापस आ रहा है अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे, तो हम बोलते हैं इसको कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था. इसमें था स्टेबल इक्विलिब्रियम में. देखो आपने ये इक्वेशन भी पढ़ी है कि हमारे पास जो मान लो U जो है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, मान लो U जो है ये पोटेंशियल एनर्जी, ओके, जो F है ये है हमारे पास फोर्स अप्लाइड. तो हमने वर्क एनर्जी एंड पावर में एक इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी वाली इक्वेशन? द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस dU अपॉन dx के बराबर, ऑलराइट? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स. तो अगर हम देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज करने के बाद, थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है. जब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, इट रिगेन्स इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अगेन. तो हम बोलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसमें है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ओके? तो अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ऑलराइट? अगर हम ग्राफ करें, प्लॉट करेंगे, तो इसकी ग्राफ जो है वो कुछ ऐसी बनती है, ऑलराइट? यूज पैराबोलिक शेप्ड बन जाती है. तो ये जो पोजीशन है जहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है,
इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ये जरा हम इधर लिखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, ये कंडीशन यहाँ पे बनाएंगे हम ग्राफ, थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे इसको। तो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ग्राफ जो बनेगा डिस्प्लेसमेंट एंड पोटेंशियल के बीच में, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, दैट इज लाइक अ पैराबोला। ऑलराइट, जो ये लोवेस्ट पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, जहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या है ये? है हमारे पास मीन पोजीशन, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। ओरिजिनल पोजीशन पे ये स्टेबल था, इसीलिए रुका हुआ था। स्लाइड डिस्टरबेंस के बाद इसमें अनस्टेबिलिटी आ गई, फोर्सेस अनबैलेंस हो गए, तो ये रिगेन करने की कोशिश कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। तो मीन पोजीशन के ऊपर इसके क्यों आएगा मीन पोजीशन? क्योंकि वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे क्या होती है? लीस्ट होती है। और पोटेंशियल एनर्जी जब लीस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो उसकी मिनिमम, सॉरी क्या कहते हैं इसको, मीन पोजीशन होती है या इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ओके, तो हमारे पास क्या जाएगा? अगर हम देखेंगे कि इस ग्राफ का स्लोप, अगर आप देखोगे इस साइड में इस ग्राफ का स्लोप जो है पॉजिटिव बनता है, इस साइड में इस ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। ऑलराइट, तो अगर आप देखोगे दोनों केसेस में, अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे या राइट साइड में देखोगे, ये जो हमारे पास है दिस रीजन ऑफ द ग्राफ, इस रीजन में अगर हम स्लोप ड्रॉ करेंगे तो स्लोप का जो वैल्यू आता है वो स्लोप आता है इसका क्या? वो स्लोप आता है पॉजिटिव स्लोप। और अगर आपको, आप देखोगे यहाँ पे जो ये वैल्यू है हमारे पास डी यू अपॉन डी एक्स, ये डी यू अपॉन डी एक्स जो है ये बेसिकली क्या है? ये स्लोप ही है हमारे पास। ऑलराइट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। ऑलराइट, और इसी तरह अगर हम देखेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर हम स्लोप प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू जो है, दैट इज स्लोप जो है हमारे पास, ये स्लोप जो है यहाँ पे पॉजिटिव आता है, तो एफ का वैल्यू जो है वो आएगा नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू आएगा नेगेटिव, दैट इज स्लोप का वैल्यू इस डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा, तो एफ का वैल्यू बनेगा पॉजिटिव। ऑलराइट, ठीक है कि नहीं? अगर आप इन दोनों केसेस में देखोगे एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इट इज मूविंग अवे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन, इट्स मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, तो वहां पे फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, तो ये इसको वापस लाना चाहता है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्लोप जो है नेगेटिव है, ये ऑब्जेक्ट जो इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप लगता है फोर्स आ रहा है नेगेटिव, मतलब दैट इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों केसेस में ये फोर्स को कोशिश करते हैं टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी बैक टू द वैल्यू इट वाज एट द मीन पोजीशन। और अगर आप इस पोजीशन पे देखोगे स्लोप का वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, वो वैल्यू जीरो होगा, विच इम्प्लाइज फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? जीरो के बराबर। तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? एट न्यूट्रल पोजीशन, एट स्टेबल पोजीशन, एट दिस मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट फोर्स इज जीरो, सो द पोटेंशियल एनर्जी का जो भी वैल्यू होगा, अगर ये जीरो है, विच इंप्लाइज की पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो भी होगा दैट इज कॉन्स्टेंट एट मीन पोजिशन। ऑलराइट, ओके, तो अगर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में इसमें स्लोप जो है, स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आता है, नेगेटिव स्लोप मीन्स स्लोप ऑफ एनी ग्राफ इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये डी यू बाई डी यू का वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, मगर ये फोर्स जो है हमारे पास इट इज नेगेटिव टाइम्स दिस, तो इस केस के लिए जो हमारे पास फोर्स आता है पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, मतलब ये अगर आप देखेंगे स्लोप नेगेटिव था, ओके, फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको वापस लाना चाहता है, अपोज कर रहा है। इधर देखेंगे स्लोप जो हमारे पास पॉजिटिव आ गया, अगर डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो ये फोर्स नेगेटिव, इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहता है। ओके, तो दैट इज द केस ऑफ केयर कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह अगर हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा वाला? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि अनस्टेबल की डेफिनेशन लिखेंगे पहले, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स
from its mean position, it never returns back. Alright. इसको हम बोलते हैं unstable equilibrium. Alright. Unstable equilibrium. It's like this. मान लो कि आपके पास एक cuboidal box एक है. Okay. Cuboid जैसा है ये हमारे पास. आपने इसको क्या कर रखा है? आपने इसको एक corner पे खड़ा करके रखा हुआ है. एक edge पे खड़ा करके रखा हुआ है. Okay. होल्ड करके रखा है, मान लो आपने इसको बैलेंस करा है, तो ये आ गया इक्विलिब्रियम में. अगर आप इसको स्लाइटेस्ट डिस्टेंस में भी दोगे तो ये फॉल करेगा और ये अपने बेस वाले उस पे आ जाएगा. अब कुछ भी हो जाए ये अपने आप वापस इस पोजीशन में नहीं आ जाएगा. ओके, क्योंकि उस वाले केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो थी क्या, मैक्सिमम थी. ऑलराइट, तो क्या होगा, फिर ये चाहता है कि पोटेंशियल एनर्जी कम करे, क्योंकि जितनी एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी कम होगी उसकी उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. तो हमें पता है यहाँ पे भी फोर्स जो है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स के बराबर होता है. अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसका ग्राफ जो है उल्टा पैराबोला जैसा हो गया. ओके, तो ये जो पोजिशन है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास ये देखोगे यहाँ पे स्लोप जो है दैट इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू जीरो आता है, विच इम्प्लाइज फोर्स का वैल्यू जीरो है, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है. मान लो हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर लिया है, तो यहाँ पे देखेंगे इस केस में ये जो स्लोप आ जाएगा, यहाँ पे स्लोप का वैल्यू होगा यहाँ पे नेगेटिव स्लोप का मतलब विच इम्प्लाइज एफ इज इक्वल टू माइनस स्लोप जो है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है, डी यू अपॉन डी एक्स की नेगेटिव आएगा, विच इम्प्लाइज फोर्स आएगा माइनस टाइम्स माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तो ये बनेगा क्या, पॉजिटिव फोर्स. पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में. ओके, फोर्स भी लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये इसको क्या करता है, अपनी कोशिश करेगा अपनी मीन पोजिशन से हटाने की, क्योंकि इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द मीन पोजिशन. ऑलराइट, अगर हम इस साइड देखेंगे, इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड का स्लोप जो है इधर अगर आप देखोगे, इधर स्लोप का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आता है, तो विच इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, तो विच इम्प्लाइज फोर्स जो है वो आएगा नेगेटिव. फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये अगेन ये फोर्स जो है ये कोशिश करता है इसको अपनी मीन पोजिशन से दूर करने के लिए. दैट इज वाई ऑब्जेक्ट अपनी इस पोजिशन से खुश नहीं होता है. खुश इन द सेंस कि हाँ, इस पे टेम्परली इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, मगर इन एनी अदर सिचुएशन हमेशा ये पोटेंशियल, देखो जैसे ही ये ग्राफ इधर या इधर जाएगा, पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है. क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर ये अनस्टेबल होता है. अनस्टेबल मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये फोर्स जो स्लाइड डिस्टर्बेंस है ये इसको कोशिश करती है हमेशा जो ड्रैग इट डाउन टू अलाउ व्हाइल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज लेसर देन दिस पोजीशन. ओके, तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज मैक्सिमम, तो ये है हमारे पास मीन पोजिशन. ऑलराइट, ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पे भी इसका वैल्यू डी यू अपॉन डी एक्स जीरो, यहाँ पे भी फोर जीरो है, मगर बाकी पोजिशन के मुकाबले में ये वाला पोटेंशियल जो का वैल्यू जो है ये हाईएस्ट है. तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ऑलराइट, एंड द लास्ट वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ओके, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सिंपल क्या होता है, ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ऑलराइट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर आप ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, डिस्प्लेस करोगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो है नई पोजीशन को अपना इक्विलिब्रियम स्टेट बना लेता है. ऑलराइट, तो क्या होगा हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके, इट ये क्या करता है, ये नई पोजीशन लेता है, इट गेन्स न्यू पोजीशन, इट या ये अपनी पोजीशन जो है नई पोजीशन जो बनाता है, तो इट रिटेन्स इट्स न्यू पोजीशन एज इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट रिटेन्स इट्स न्यू पोजीशन एज
its mean position, as its mean position. कि नई पोजीशन कोई अपनी मीन पोजीशन बनाता है, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई फर्क नहीं हो रहा है. इट इज जस्ट लाइक इज ए प्लेन रोड पे आपने रखा है स्फेरिकल बॉल ले लो या टायर ले लो, प्लेन रोड है, इसको थोड़ा सा आपने धक्का दे दिया, ये आगे मूव करके जाएगा ऐसे, ये पहुंच गया यहाँ पे, सॉरी ये पहुंच गया यहाँ पे, ऑलराइट यहाँ पे पहुंच गया, ये अभी भी उसी हालत में है जिस हालत में पहले, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा. ऑलराइट, इट इज अगेन लाइक दिस बॉक्स. अगर हम इस बॉक्स को क्या करेंगे, हमने इसको एक साइड पे रखा है, एक फेस पे रखा है, अब धक्का दे दिया, ये इधर पहुंच गया, इधर भी ये वैसा ही बॉक्स है जैसा पहले, इसमें पोजीशन चेंज करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो अगर हम देखेंगे इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ u, सॉरी दिस इज अलॉन्ग x एक्सिस x एंड दिस इज u हमारे पास, तो इसका ग्राफ जो है वो आता है एक स्ट्रेट लाइन. चाहे आप एक पोजीशन ले लो यहाँ पे x इक्वल टू मीन पोजीशन, इसके लिए सारे पोजीशन जो है सेम जैसे ही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है देखो, अगर आप स्लोप देखोगे यहाँ पे, स्लोप जो है जीरो है, विच इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स जीरो है, विच इम्प्लाइज फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज जीरो. तो थ्रू आउट इट्स मोशन फोर्स जो है वो सेम ही रहता है, नई पोजीशन को ही इसमें अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन वैसी ही है, क्योंकि इसमें कोई चेंज होता ही नहीं है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये होता है किसमें, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में. ऑलराइट, तो ये है हमारे पास तीन टाइप्स के इक्विलिब्रिया. One is stable equilibrium, another is unstable equilibrium, another is neutral equilibrium. All right? इसके बाद और एक छोटी सी एक और definitions और है जो हमारे पास है, क्या एक है एक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं restoring force. क्या बोलते हैं? Restoring force. Restoring force होता है, पहले definition लिखेंगे इसकी, that force which tries to bring back the object to its mean position after it is displaced by an external force, displaced by an एक्सटर्नल फोर्स. जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स से डिस्टर्ब करते हैं, तो तब जो हमारे पास एक फोर्स आ जाता है जो इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाना चाहता है, उसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स. ऑलराइट, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करें, इसीलिए पहले एक इक्वेशन लिखेंगे, वो बाद में लिखेंगे. पहले अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल पेंडुलम लेंगे. ओके, देखो ये हमारे पास है पेंडुलम, इसके और इसको अंडरस्टैंड करना है आपने. ये जो ये एक फिक्स सपोर्ट के साथ है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मास्टर स्ट्रिंग एज्यूम कर रहे हैं, अटैच करेंगे हमने. ये बॉब है इसके साथ अटैच, सिंपल पेंडुलम के साथ इसको हम स्विंग कराएंगे. ऑलराइट, ऑसिलेट कराएंगे अबाउट इट्स मीन पोजीशन. देखो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस पोजीशन पे, इसके ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड्स वेट दैट इज एम जी, अपवर्ड्स लग रहा है टेंशन टी. ये कहीं नहीं, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं जा रहा है, तो मतलब ये टेंशन जो है mg के बराबर है. आप लिख सकते हो टेंशन माइनस mg का सम जो है वो किसके बराबर है, तो टोटल फोर्सेस का सम जो है वो आ गया जीरो. तो मीन इज ये ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में, स्टेबल पोजीशन में है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, ये पहुंच जाएगा इधर, ऑलराइट, फिर वापस आएगा इधर पहुंच जाएगा. हम इसके एक्सट्रीम पोजीशंस जो प्लॉट कर रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड पोजीशंस होती है, ऑलराइट, जब ये यहां पहुंच गया यहां पे किसी भी पॉइंट पे, अगर आप देखोगे इसका वेट अभी भी लग रहा है डाउनवर्ड्स, मगर अभी थोड़ा चेंज हो गया है. अभी चेंज क्या हुआ है, मान लो इसने यहाँ पे एंगल बनाया है थीटा, तो अगर आप देखोगे ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो हम ये वाला एंगल प्लॉट करेंगे, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये और ये, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, थीटा होगा. तो इस एम जी को रिजोल्व करेंगे, एक तो आएगा इस डायरेक्शन में दैट इज एम जी कॉस थीटा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दैट इज एम जी साइन ऑफ थीटा. ऑलराइट, तो अब क्या होगा, अब अगर आप देखोगे यहाँ इसके ऊपर नहीं जाएगा, वापस आए, क्यों आएगा वापस, ये बिकॉज यहाँ पे वेट के दो कंपोनेंट बन रहे हैं. वर्टिकल केस में सिर्फ एक था, इस केस में दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक एम जी कॉस थीटा जो इसके टेंशन को बैलेंस करेगा, दूसरा बचा ये एम जी साइन थीटा. ये एम जी साइन थीटा जो है, अगर आप इसकी डायरेक्शन देखोगे
it is acting tangential to the curve. Tangent किसी भी point पे draw करोगे, that always it is always directed towards the mean position के around है ये. तो ये कोशिश क्या करेगा? इसको oppose करने वाला कोई force है ही नहीं. तो क्या होगा? तो ये जो फोर्स आता है इसके अंदर, ये क्यों आया? अगर आप देखोगे, अगर आप इसको डिस्टर्ब ही नहीं करोगे, डिस्टर्ब कर नहीं करने का मतलब थीटा का वैल्यू जीरो होगा. थीटा का वैल्यू जीरो तो साइन थीटा का वैल्यू भी जीरो आ गया. तो ये वैल्यू जो है, मान लो इसको एफ आर से नोट करेंगे, तो ये एफ आर जो है ये वैल्यू भी जीरो. ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती. ये एग्जिस्ट तभी करती है जब इसको डिस्टर्ब कर रहे हो. तो डिस्टर्ब करने की वजह से इसके अंदर एक नया फोर्स जनरेट होता है जो हमेशा इसको कोशिश करेगा अंदर की तरफ लाने की, चाहे इस साइड हो या इस साइड हो. इधर भी यही होगा. ये आएगा हमारे पास mg sin थीटा, ये आएगा हमारे पास mg cos थीटा. इधर भी ये इसको कोशिश करेगा टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर. ऑलराइट, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में था, दोनों साइड के फोर्सेस को सेंटर की तरफ वापस अपनी मीन पोजिशन की तरफ लाना चाहते हैं. ऑल दो अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे देखेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू छोटा होगा ऑब्वियसली. ऑलराइट, ये मान लो थीटा वन है, दूसरी पोजिशन है, ये मान लो थीटा टू है, तो यहाँ का जो वैल्यू कम होगा, यहाँ का थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा. तो जितना जितना आप एंगल बढ़ा रहे हो, उतना ही ये मैग्नीट्यूड इसका भी बढ़ रहा है. वो कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि थीटा का वैल्यू जितना इंक्रीज करोगे, साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है. अगर थीटा का वैल्यू हम ले रहे हैं कहाँ से, लेके कहाँ तक? जीरो डिग्री से 90 डिग्री तक. साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है जीरो से लेके कहां तक? वन तक. वन इसका मैक्सिमम वैल्यू है 90 डिग्री पे. तो जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, एम जी साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है. तो ये रेस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होता है एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस. मगर डायरेक्शन हमेशा इसकी क्या होती है? नेगेटिव. खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये इक्वेशन बताई आपको, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा. जनरल टर्म्स में आप क्या लिखोगे या रखोगे यार, कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रपोर्शनल है विद अ नेगेटिव साइन विद अपोजिट डायरेक्शन एंड directed opposite क्या? opposite to the displacement के ये हमेशा क्या होता है? यहाँ आपने देख लिया, ये ऊपर जा रहा है, restoring force oppose हो रहा है. आप angle बढ़ा रहे हो, इसका value भी बढ़ रहा है. एक तो force value wise ये directly proportional है किसके ऊपर? displacement के ऊपर. तो हम इसके लिए general equation लिखेंगे, restoring force is directly proportional to displacement with a negative sign. And negative sign indicates that it is opposing the displacement from the mean position. It tries to regain the object's mean position. All right? तो इसलिए हमने क्या कर लिया है? Negative sign use करी है. Okay? तो ये हमारे पास आ गया ये restoring force. इसको equality में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? एक constant use करते हैं K, जिसको हम आगे define करेंगे. ये एक spring constant होता है. क्या होता है? Spring constant. तो हमारे पास क्या आ गया? Restoring force जो है वो आ गया किसके बराबर? That's equal to f equal to minus kx. तो ये जो f है, ये हमारे पास restoring force. All right? x जो है ये हमारे पास displacement, और k जो है that's equal to, इसको हम बोलते हैं spring constant. Okay? या stiffness constant आप बोल सकते हो. ये spring constant हम आगे देखेंगे ये क्या होता है. ऑलराइट, और स्प्रिंग कांस्टेंट का अगर आप देखोगे एसआई यूनिट जो है एसआई यूनिट ऑफ के जो है वो क्या है? दैट इज न्यूटन पर मीटर. ऑलराइट, ओके. अगर हम डायमेंशनल फॉर्म में लिखना चाहेंगे इट इज एम टी माइनस टू. ओके, एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स का, डिवाइडेड बाय करेंगे यार तो ये आएगा एम टी माइनस टू. दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर दिस. ओके, ये वैल्यू वाइज अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये होता क्या है? इट इज बेसिकली द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रेस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ के लिखेंगे तो ये होता क्या है? इट इज द रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड
okay, developed per unit displacement from mean position, alright, displacement from mean position. Mean position से ये कितना displace हो गया है, y value wise हम बात कर रहे हैं कि जो है that's equal to x, alright, f upon x के बराबर, value wise बात कर रहा हूँ मैं, simply mod लिखेंगे इसके साथ में, okay, तो कितना पोर डिस्प्लेस रशोनिक फोर्स जनरेट हो रहा है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ऑलराइट, ठीक है कि नहीं. तो ये है हमारे पास रशोनिक फोर्स सर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे.